नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ हर्षा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। बताते चले कि उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है, लेकिन इससे पहले आपने देखा बैठकों का दौर किस तरह से शुरू हो चुका था। उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ भी मुलाकात की, नितिन गडकरी के साथ भी मुलाकात हुई है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी मुलाकात हुई है। हर जगह पर राज्य का दर्जा बहाल करने की पेशकश की जा रही है और इस बीच में रविंदर रैना का बड़ा बयान सामने आ गया है। आपको बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया। वो कह रहे हैं कि ये मामले संवेदनशील हैं, तब तक यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता जब कुछ शांति स्थिति यहाँ पर नहीं बनती है, तो जल्दबाजी में फैसला लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। रविंदर रैना की तरफ से बड़ा बयान, उमर अब्दुल्ला लगातार दिल्ली के अंदर पहुंचे हुए हैं और बैठकों का दौर उन्होंने शुरू किया हुआ है, क्योंकि जब से सरकार बनकर आप देखिए तैयार हो गई है। कैबिनेट की बैठक 4 नवम्बर को होनी है, लेकिन उससे पहले उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुलाकात होती है, नितिन गडकरी के साथ मुलाकात होती है, रक्षा मंत्री के साथ बातचीत होती है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात की जाती है। और बताया ये जा रहा है कि हर जगह पर राज्य के दर्जा बहाल करने को लेकर पेशकश की गई है और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालातों को मद्देनजर रखते हुए भी चर्चा की गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार आपने देखा कि टारगेट किलिंग का दौर किस तरह से एक बार फिर से देखने को मिल रहा था और उसी को मद्देनजर रखते हुए इस पर बातचीत भी यहां पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से की गई है। लेकिन फिलहाल राज्य के दर्जे पर पूरी तरह से जोर जो है वो दिया गया है। अब तालमेल बनाने की बात हो रही थी, लेकिन लगातार आप देखिए जिस तरह से अब यहाँ पर जो बैठकों का दौर शुरू हुआ है, इस बीच में रविंदर रैना जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, वो एक बड़ा बयान जारी करते कि ये संवेदनशील मामले हैं, इस पर तब तक यहाँ पर संशय ही बना रहेगा जब तक स्थिति सही नहीं होगी, यानी कि रविंदर रैना की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया। चलिए इसी पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये बैठकों का दौर और दूसरी तरफ रविंदर रैना का इस तरह का बयान। डॉक्टर सुखविंदर सिंह है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। अजय भारती जी हैं हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, आपका भी स्वागत। आदर्श गुप्ता जी हैं एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आदर्श जी, सबसे पहले तो आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि कल से ही आप देख रहे हैं मुलाकात का दौर शुरू हुआ है, केंद्रीय गृह मंत्री रक्षा मंत्री उनके साथ, नितिन गडकरी के साथ भी मुलाकात, आज पीएम के साथ भी मुलाकात, लेकिन इस बीच में रविंदर रैना की तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया। वो कह रहे हैं कि ये मामले संवेदनशील हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक स्थिति सही नहीं होती है, और उमर अब्दुल्ला तो राज्य का दर्जा बहाल करने की पेशकश कर रहे हैं हर जगह पर। धन्यवाद आशा जी। जिस तरह से सरकार बनी या सरकार बनने के बाद एक कड़सी मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ या रक्षा मंत्री के साथ, होम मिनिस्टर चीफ के साथ, वो तो होना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि सरकार बनने के बाद उनको दिल्ली जाना था। लेकिन इनका मैनिफेस्टो था, उन्होंने बार बार यही कहा था कि पहली हम कैबिनेट मीटिंग में रेजोल्यूशन लाएंगे राज्य का दर्जा के लिए, और वैसा ही उन्होंने किया। अपनी जो बात लोगों को सामने लाई थी उसी बात के मुताबिक उन्होंने किया। अब दिल्ली जाके उन्होंने रेजोल्यूशन जो पास किया है उसे एलजी ने भी पास कर दिया है, उसमें स्वीकृति दे दी है, उसके बाद वो दिल्ली जाना ही था उन्होंने, लेके वो लेके गए हैं और उसका मौके का फायदा उठाते हुए सभी से मुलाकात कर रहे हैं और राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं। राज्य का दर्जा की जहां तक बात है, तो ना तो प्रधानमंत्री ने इनकार किया है, ना ही होम मिनिस्टर ने इनकार किया, उन्होंने भी कहा था कि राज्य का दर्जा हम देके, लेकिन समय आने उचित समय आने पर, उचित समय का के बारे में तो थोड़ा सा वो कहना मुश्किल है कि उचित समय कौन सा है और कैसे आएगा, लेकिन सभी ने वादा किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अब रविंदर रैना जी क्या बयान दे रहे हैं कि अभी सेंसिटिव है ये, बहुत सब चीजें सब कुछ है, इससे कुछ बात कुछ समझ में नहीं आ रही हमें, ये कहने का क्या इनका मकसद है। अब राज्य का दर्जा देने की जब बात की है, क्या यूटी के होने से सब कुछ शांत रहेगा? आज भी देखो आतंकवादी हमला हुआ है गुलमर्ग में, रोज हो रहे हैं। अब यूटी बनने से ये नहीं है कि यूटी बना हुआ है तो कुछ नहीं हो रहा, तो राज्य बनेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। राज्य का दर्जा सबने वादा किया हुआ है, इसको लेके जनता ने सरकार को चुना है, सरकार से कुछ उम्मीदें जागी हैं उनको, उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, उनको लग रहा है कि ये काम होगा हमारा। यूटी पे सारी तो रविंदर रैना के बयान की समझ नहीं आ रही है, आदर्श जी कह रहे हैं। और हाल ही में अभी अभी की ही खबर है कि कश्मीर के अंदर एक बार फिर से आप देखिए किस तरह से घटना देखी गई है, जिसमें एक पोर्टर की मौत हो गई है और कुछ घायल भी हुए हैं। जी निश्चित रूप से मैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं, और जो दिन में त्राल के इलाके में भी जिस बाहर वाले कहकर जिस लेबर पर गोलियां चलाई, उसके लिए भी अपने अपना
शेयर करते हैं सब उनके परिवार वालों से। ईश्वर का शुक्र है कि वो बच गया लड़का। देखिए, मुझे लगता नहीं कि जो हमारे सम्माननीय अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने जो कहा उसमें ना समझने वाली कोई बात। आदरणीय जी ने इसे पहले और रविंद्र जी के पर स्क्रिप्टिंग करने से पहले उन्होंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो की बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में बहुत सी वेलफेयर स्कीम्स भी है, उस पर भी कोई हमें कार्रवाई दिखाई होती उस पर एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उसमें बिजली 200 यूनिट हम फ्री करेंगे, उसमें हम विडो पेंशन बढ़ाएंगे, हम पेंशनर्स के मेडिकल अलाउंसेस बढ़ाएंगे, ऐसी बहुत सी बातें थी इसमें। ये उस मैनिफेस्टो के संदर्भ में हमें कुछ उसकी मूवमेंट फॉरवर्ड दिखाई देती नहीं है। सिर्फ एक चीज फुल पॉलिटिसाइजेशन कि लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा ही। दूसरा, उन उमर अब्दुल्ला साहब के दिल्ली जाने में एक बहुत बड़ी त्रासदी दूसरी है। उन्होंने यहाँ तो बढ़ाया, जम्मू में बताया हमको कि हमने देखिए जम्मू से बिना कंपल्शन के हमने डिप्टी सीएम बनाया। क्या अच्छा होता, क्या डिप्टी सीएम इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए इस कर्टसी काल का? सीएम के साथ डिप्टी सीएम साहब भी होने चाहिए थे, वो क्यों नहीं गए? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या क्या ये पर्सनल पीआर एक्सरसाइज है? वो क्या करना चाहते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब देना है, भारतीय जनता पार्टी को सुखेंद्र नहीं, जी वो कह रहे भारतीय हैं कि जनता समझ पार्टी नहीं आ रही का। कि ये देखिए, कौन सी यहाँ वाली पर एक्सरसाइज, टेररिज्म अगर सीएम पहुंचे हैं तो डिप्टी सीएम क्यों नहीं गए? सबसे पहले तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, मेरे से पहले बड़ा खूब जवाब जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने आपको दिया है कि बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं, जो कहने और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। जहां तक सेंटर की बात है, सेंटर आज जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने वो अमित शाह जी से और नितिन गडकरी से और डिफेंस मिनिस्टर से मिले हैं। जो हमारे वादे थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त किए थे कि हम 370 के ऊपर और स्टेटहुड के ऊपर सबसे पहले हमारी जो है विचारधारा इसी के ऊपर काम करेगी, तो सीधी सी एक बात इसमें ज्यादा मुझे नहीं लगता कि समझने वाली कोई बड़ी बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना जो वादा किया उसको पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी की मुझे लगता है कि रविंदर रैना जी को हारने के बाद अब कुछ जम्मू कश्मीर के हालात कुछ खराब नजर आ रहे हैं। इन 10 सालों में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो बड़े अटैक रविंदर रैना जी की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर में, ज्यादा जम्मू रीजन में हुए, तो उनको सबसे पहले तो मुझे लगता है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था कि भाई अगर मैं यहाँ का स्टेट प्रेसिडेंट हूं तो मुझे लगता है कि मेरे रीजन में अगर इतने बड़े बड़े अटैक हो रहे हैं तो सबसे पहले उनको ये समझना चाहिए अच्छा कि जी, मेरा भी कोई दायित्व है। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं रविंद्र रैना जी इस वक्त एक कंफ्यूज लीडर है जम्मू कश्मीर में, चलिए हार की डिप्टी वजह से सीएम का उनको मुझे सवाल लगता है आपकी कहीं ना तरफ से कहीं ये दागा चीज गया, वो कह का रहे हैं कि रविंद्र रैना को यहाँ इस्तीफा देना चाहिए था, जवाब दीजिए। नहीं, मुझे देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता की मजबूरी हम समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि डिप्टी सीएम साहब क्यों नहीं गए, उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो एप्रिहेंशन सारे एक्सपर्ट्स की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी तो टेररिज्म भी साथ साथ आएगा, वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो इस पर चिंता व्यक्त नहीं कर रहे। वो कह रहे कि हम अपने एजेंडा तो उन्होंने तब किया था जब उन्होंने कहा था पहले कि जब तक 370 वापस नहीं आता हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। इन्होंने ये कहा था कि अगर हम जब तक ये नहीं करेंगे तो हम क्या कहते हैं यूटी में हम चुनाव नहीं लड़ते, फिर एक नहीं पहुंचेगा। तो ये कैसे अपने मैनिफेस्टो से, अपने कहे हुए शब्दों से वापस फिर जाते हैं, ये इनका। रही बात हमारी जो हमारे अध्यक्ष मोदी की, उन्होंने नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने भी जो हमने कहा उसको करके दिखाया और हम करके दिखा रहे हैं पिछले। यही तो सारा देश क्यों आखिर मोदी की गारंटी को क्यों विश्वास में ले लेता है, क्यों मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिक्कत है कि सरकार में आई है, अब इनको समझ नहीं आ रही है कि हम कैसे करें। मैंने फिर कहा, जो लोगों से उन्होंने वादा किया, जो अपनी पार्टी या अपने परिवार से वादा किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आपकी सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, सोशल वेलफेयर पर तो आपने कुछ नहीं किया। आपने डिक्लेयर किया था कि हम स्मार्ट मीटर्स को तभी और चलिए सुखविंदर व्यवस्था जी, में फेंक देंगे, हमें हमें दिखाई नहीं दे रहा कि वो कब स्मार्ट मीटर्स को कब वो व्यवस्था में या तभी ठीक में है फेंक रहे हैं। सुखविंदर जी उन्होंने जवाब कहा था दीजिए। कि हम मेडिकल पेंशन को बढ़ा देंगे, कम से कम 300 से 1000, 1000 से 5000 कर देंगे, देखिए उसके बारे में कुछ मेरे जानकारी साथ देते, उसके बारे में बात करते तो लोगों को अच्छा लगता है जिन्होंने उनको चुना, हालांकि वो 50% से कम वोट उनको उनको आपको मुझे लगता है आपको सुनना भी चाहिए, केवल तेईस मुझे लगता तेईस है आपको परसेंट ही जी मिला जवाब है, भी चाहिए। लेकिन फिर भी उन वोटर्स का तो सम्मान रखते ना। ठीक है,
चलिए, वो कह रहे हैं कि उन वोटर्स तो के लिए जो काम करने की बात कही थी उस पर अब फोकस करने की जरूरत है। देखिए देखिए, मुझे लगता है मेरे बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं, इनका और सेंटर का तालमेल मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ा डिफरेंस है इनके बीच। जम्मू की बीजेपी अलग है और सेंटर की बीजेपी अलग है। देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें जो हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर की है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अभी हमें 2 हफ्ते नहीं हुए सरकार बनाए हुए, आपके पास तो 10 साल थे, आपने क्या किया? आप ये कह रहे हैं कि 370 आने के बाद या जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी आ जाएगी, तो आप इन 10 सालों में अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए, आपके इन 10 सालों में क्या क्या नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में। आप ऐसी चीजें कह रहे हैं कि सरकार बनने के पास उमर अब्दुल्ला जी के पास एक अलादीन का चिराग आ गया, जिससे वो रगड़ने से 10 दिनों में मीटर्स भी फ्री कर, बिजली भी फ्री कर दें, लोगों को नौकरियां भी दे दें। आप भाई हमारा स्टेटहुड हमें आने दीजिए, धीरे धीरे आपको 6 महीने में हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी नजर आ जाएगा। आदर्श, हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स जो आदर्श इस वक्त हाई लेवल वो कह रहे हैं कि हमारा रिपोर्ट कार्ड तो सामने आ जाएगा, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं आ रही वाजा जी, एक सेकंड दीजिएगा। कुछ हद तक मैं जिसी के साथ सहमत हूँ, क्योंकि अभी बहुत कम समय है, अभी तो उनकी एक कैबिनेट मीटिंग हुई है, उस कैबिनेट मीटिंग में राज्य का दर्जा देने की बात हुई है, क्योंकि राज्य का दर्जा एक ऐसा इसको लेके चुनाव दोनों ने लड़ा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम राज्य का दर्जा देंगे, ये कहेंगे अब लेंगे, अब कब देंगे कब लेंगे, वो चीज सामने आ रही है। रही बात बाकी उनके एजेंडे के बारे में, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी अगर उनके बारे में ऐसी बातें कहें, क्योंकि अभी एक कैबिनेट मीटिंग हुई और इनके जो मंत्री हैं सतीश शर्मा जो है उसकी स्टेटमेंट आ रही है, वो जा रहा है, उन्होंने 2-3 मीटिंग्स ली है। इनकी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर जो है सकीना तूर, उसने भी मीटिंग दी है, वो भी उस पर कच कर रही है। यहाँ तक मेरे को लग रहा है कि इस बार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है पिछली बार से डिफरेंट है, इस बार सेंटर के साथ तालमेल के साथ चल रही है, इसके अच्छे रिलेशन बन रहे हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर के नेता है उनको शायद थोड़ा सा समय लगेगा जब तक ऊपर से कोई अध्यक्ष आएगा, लेकिन इनका जो अच्छी तरह से उनके साथ तालमेल है और बहुत अच्छे तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक प्रश्न ये प्रधानमंत्री आदर्श जी, आपको लगता है कि इतनी जल्दी राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से, एनडीए की सरकार? जिस तरह से यहाँ स्थानीय नेता जो जो बयान दे रहे हैं, तो उससे नहीं लग रहा कि बहुत जल्दी इनको राज्य का दर्जा मिलेगा। अगर रविंदर रैना की तरफ से इतना बड़ा बयान जारी किया गया है मुलाकातों के दौरान, उसका संकेत क्या है? मैं तो पहले भारती जी की बात को वो कह लूं कि यहाँ के हालात नैसी के आने से ही खराब हो गए, तो मुझे लगता है कि अभी तक तो केंद्र के पास ही है सारा सिस्टम है, उनके पास ही पावर है सारी, होम मिनिस्ट्री उनके सारे पास ही है, सिक्योरिटी उनके पास है, हर चीज उनके पास है। तो ये तो ग्लोबल एक टेररिज्म चल रहा है, एक तो प्रॉक्सी वार है पाकिस्तान की, वो चाहे कुछ भी आप कर लो कुछ ना कुछ यहाँ पे होता रहेगा, उसको तब तक पाकिस्तान आपके साथ पड़ोसी बना हुआ, जब तक उसके ऊपर अच्छा उसको सबक ना सिखाया जाएगा, मत सोचो कि जम्मू कश्मीर में शांति बिल्कुल हो जाएगी। अजय जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि प्रॉक्सी वॉर करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन बोम आपके पास है, सचमुच में पावर्स आपके पास है, सचमुच में हैरानगी हो रही है कि अगर एक न्यूट्रल पत्रकार इस प्रकार की बात करे, जो चुनाव से पहले चुनाव के दौरान जो बातें कर रहे थे कि किसके कारण टेररिज्म बढ़ा है, तब इन सब के बयान कैसे थे? आज लोगों की बातें बहुत कर रहे हैं, मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया, चुनाव खत्म हो गया है, सिविलाइज्ड मैनर काम करने का। ठीक है आदर्श, सुन लीजिए, एक बात तो ये कि पहले इनके ही स्टैंड में पहले ये क्या कह रहे थे कि यहाँ का सब चीज दोष किस पर दे रहे थे, ये एक बात। दूसरी बात, इनका मैं जो मैं कह रहा हूं, तो मुझे भी पता है कि इनको अभी थोड़ा समय हुआ है, लेकिन एकेडेमिक कैलेंडर को वापस करने के लिए जल्दी है, अभी कैबिनेट पूरा बना भी नहीं है, तब भी सकीना यतु जी ने कहा, उनका अधिकार है वो क्या कहे, मैं उस पर ये नहीं कह रहा, जो पॉलिटिकल नेचर के इश्यूज है उस पर कोई देर नहीं हुई, लेकिन जो लोगों के वेलफेयर के इश्यू है उसी पर अभी जल्दबाजी नहीं हो रही है, ये एक बात। और आप क्या कह रहे हैं, जब स्टेट मिलेगा, पहले क्या कह रहे थे कि हम, इनको क्या नहीं मालूम था कि अभी हम यूटी हैं, और ऐसे प्रॉमिस क्यों किए, लोगों को क्यों वादे किए, ध्यान दिला रहे हैं कि देखिए ये हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है, मुझे लगता है इनको शायद थोड़ी सी नॉलेज कम है। देखिए हमारे जयशंकर जी इन दिनों में पाकिस्तान की यात्रा पे थे, तो उसमें बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो बॉर्डर को लेकर ही उन्होंने डिस्कस किए,
जिसमें हमारा बहुत बड़ा मुद्दा यही है कि गलत कह रहे, गलत बयान कर रहे हैं सर, गलत बयान। नहीं नहीं एक एक गलत सुन लीजिए आप, जयशंकर जी की, जयशंकर जी की स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट, अगर आपको पढ़ी होगी तो आपको क्लियर। अब एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। देखिए जो हमारा मैनिफेस्टो, हमने अपने मैनिफेस्टो के ऊपर बात करनी है। हमने जो 370 की बात की, हमने 370 के लिए हम आज ये नहीं कह रहे कि हमारा 370 हम उसके लिए जंग नहीं लड़े। हमने ये पहले कहा कि इसके लिए अगर हमें 200 साल भी लड़ना पड़े तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। रही बात स्टेटहुड की, तो हम स्टेटहुड हमें चाहिए। देखिए बीजेपी की इस वक्त क्या बात है कि बीजेपी उस वक्त जब जम्मू में बहुत बड़ी रैली करते थे तो ये कहते थे भाइयों बहनों हम कुछ दिनों के बाद, इलेक्शनों के बाद हम आपको स्टेटहुड दे देंगे। देखिए उचित समय का मतलब क्या है, उचित समय का मतलब ये तो हो नहीं सकता कि उमर अब्दुल्ला जी की सरकार बन गई है एक हफ्ते में सारा जो टेररिस्ट है टेररिज्म है वो खत्म हो जाएगा तो उचित समय आ जाएगा। देखिए टेररिज्म की बात की जाए तो ये एक मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं फैक्चुअली जो अलग दिन का चिराग नहीं है कि एक ही दिन में सब बदल जाएगा। एक्चुअली फैक्चुअली करेक्शन में बात कर दूं पहले। हाँ बोलिए बोलिए, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड अजय जी बात पूरी कर रहे हैं सुखेंद्र जी। हाँ बोलिए सुखेंद्र जी। देखिए एक चीज मैं इनको क्लियर कर दूं, बीजेपी इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो इन्होंने कहा कि हम 50 बार का नारा लेके आए थे, इनको अब पता चल गया हमने कश्मीर में जितने वादे किए उन लोगों ने हमें अपनाया नहीं है। इस वक्त ये जम्मू में अपनी जमीन जो इन्होंने उस वक्त जो अपना बनाया था, लेकिन सुखेंद्र जी की वजह से, सुखेंद्र जी बहुत सारे लोग पार्टीज के हिसाब से आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है, वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है जम्मू कश्मीर में, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अजय जी इस पर जवाब दीजिएगा। यही चीज ठीक है हो गया बस। देखिए अजय जी ठीक है सुखेंद्र जी, पहले मैं फैक्चुअली करेक्ट इनको कर दूं कि जो डॉक्टर जयशंकर जी पाकिस्तान गए थे वो मल्टीलेटरल मीटिंग में गए थे, पाकिस्तान के साथ बायलेटरल कोई मीटिंग नहीं हुई। एक बात, वहां उन्होंने टेररिज्म को जो आज ब्रिक्स सम्मेलन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, जो भारत का खासकर 2014 के बाद फर्म स्टैंड है कि परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म एंड विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म कैन नॉट सिट टुगेदर, ये उनका क्लियर स्टैंड था। एक बात, दूसरी बात, ये जब वोट शेयर को था आपने इनको बताया ही है, इनको कश्मीर में भी रिजेक्शन मिला है, 40% के आसपास वोट है इनको, सब जगह इनको एक्सेप्टेंस नहीं है। वो दूसरी बात है, मुझे उसका वो नहीं, एक सरकार इन्होंने बनाई क्योंकि सीट्स मिली है, मुझे उसमें कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ पर कैंडिडेट उसको 20 से ज्यादा 29 में से जिन्होंने 50% से ज्यादा 64% ली है, इनके देख लीजिए 10 से कम है जिन्होंने 50% के नहीं, जनता ने मैंडेट तो दिया है ना जी, जी। तभी तो मेजोरिटी में सरकार के अंदर बैठे हैं ना, चाहे निर्दलियों के साथ मिलकर हो, मैंडेट दिया है। एक ही कहना है कि आदर्श जी वेलफेयर के प्रोग्राम 87 का समय भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देखा है। ठीक है अजय जी, जब वादा करते थे उस वक्त इनको मालूम था, ठीक जब वादा कर रहे थे उनको भी मालूम था कि इनके पास 5-6 साल है, 200 साल का प्रोजेक्ट लेकर क्यों बैठे। ठीक है ठीक है, इस पर जवाब आदर्श जी, अजय जी कह रहे हैं कि जब पता था कि 5 साल ही है तो 200 साल का प्रोजेक्ट लेकर क्यों आए हैं, ये सुखेंद्र जी आपसे भी जवाब लूंगी। लेकिन उससे पहले आदर्श जी, 87 का समय भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देखा है, 90 से 96 का भी देखा है, 2002 का भी देखा है, आज की परिस्थितियां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देखी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सीनियर लीडर है, काफी कदावर नेता है, तजुर्बा रखते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं कि परिस्थितियों से किस तरह से निपटा जाए, और उसी के तहत स्ट्रैटेजी के तौर पर उमर अब्दुल्ला कैबिनेट बैठक करते हैं, सबसे पहले राज्य के दर्जे पर अपना काम करना शुरू करते हैं, उसके बाद दिल्ली रुख करते हैं, दिल्ली में एक एक मंत्री के साथ मीटिंग होती है, यानी कि मतभेद अगर कोई है तो उसे दूर करने की कोशिश, एक अगर कोई खाई है तो उसे भरने की कोशिश, आपसी तालमेल को बनाने की कोशिश, क्योंकि उमर अब्दुल्ला भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, और मिलकर चलेंगे तो बहुत ही अच्छे से काम जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। आपका तजुर्बा क्या कहता है? बिल्कुल सही कहा आशा जी, इससे पहले भी मैंने ये एक बात कही, ये जितने भी पुराने इनके दौर रहे हैं उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और आज जो है मैंडेट सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं मिला, मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को भी मिला है, कश्मीर से मैंडेट उसको मिला है, जम्मू से मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, बहुत बड़ा मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो सरकार में है या नहीं है, इसका इसमें कोई बात का मैंने नहीं रखता, लेकिन लोगों ने इनको जताया है, मैंडेट दिया है जम्मू वालों ने, वो इनसे भी आशा लगा के बैठे हुए हैं ये हमारे काम करेंगे। 10 साल से जहाँ
जम्मू के लोग सफर कर रहे हैं, ज्यादा कश्मीर से ज्यादा जम्मू में सफर हो रहा है, क्योंकि जब भी कोई भी इवेंट्स होता है, जो भी अच्छी बात होती है, कश्मीर में हो रही है पिछले 10 साल, जम्मू में कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत सी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी नई सरकार बना पाए तो लोगों का कोई दोष नहीं है। जब आपने कश्मीर में आपको नहीं मिले वोट, क्योंकि आपने ज्यादा ध्यान भी कश्मीर में दिया, कश्मीर से आपने नई सीटें निकाल सकी, जो भी है, जो भी जनता का जो फैसला है वो सामने आया। लेकिन जहां तक आपका प्रश्न है, अब उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, लेकिन अब जनता के काम की बारी है ना आदर्श जी, क्योंकि 2014 में आपको 25 सीटें मिली, इस बार आपको 29 सीटें मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 15 और 12 सीटों पर सिमटी थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर के अंदर से बड़ा ह्यूज जो मार्जिन आप देखिए किस तरह से देखा गया, और 42 सीटों पर वो आई, लेकिन अपने बलबूते पर सरकार बना ली, यानी कि फुल मेजोरिटी में। अब काम करने की बारी है जिस पर उमर अब्दुल्ला चलना शुरू हो गए हैं। अब यहां पर फोकस करने की जरूरत यह है कि मुद्दे कौन कौन से लिए जाएंगे। राज्य के दर्जे पर सबसे पहले उन्होंने मुहर लगाने की कोशिश की है, तो इसमें बुरा क्या है, गलत क्या है? रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस आऊंगे। इसमें गलत क्या है, स्ट्रैटेजी के तौर पर काम कर रही है सरकार, क्योंकि एक मैंडेट दिया गया है जनता की तरफ से, तो उस पर काम करना जरूरी है और उस पर काम शुरू कर दिया गया है। मुझे गलत सिर्फ इतना लग रहा है कि ये सरकार नहीं, पार्टी, पार्टी भी नहीं बल्कि परिवार के ज्यादा पीआर एक्सरसाइज लग रहा है। अगर सरकार भी होती तो कैबिनेट के दूसरे मंत्री, खासकर डिप्टी सीएम साहब साथ होते, ये मेरा पहला प्रश्न है जो मुझे गलत लग रहा है। मैं उसको, बाकी इनकी मर्जी है। दूसरा, मैं फिर कह रहा हूं कि जो पब्लिक वेलफेयर के प्रोग्राम है उनको भी उसी शिद्दत के साथ, उसी प्रायोरिटी के साथ पूरा कर देते, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अगर एकेडमिक सेशन, क्योंकि वो पॉलिटिकल नेचर है, जबकि स्टूडेंट्स वहां पर, कश्मीर में देख लीजिए, वहां एकेडमिक सेशन जो सीबीएसई के साथ इंटीग्रेटेड है, वहां पर कितनी भीड़ होती है एडमिशन के लिए, लेकिन उसको परस्यू करेंगे क्योंकि वो पॉलिटिकल डिविडेंड देने वाला है या पॉलिटिकली एंगेज करने वाला है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिन वोटरों को इन्होंने वर्गलाए, जिन वोटरों को, मतलब उनको आप ये कहना चाहते हैं तो हराया था, कुल मिलाकर सियासत चल रही है इलेक्शन में, ऐसा कुछ तो जी कि कुल मिलाकर सियासत चल रही है, कुछ ऐसा है ना, सीधी स्पष्ट है। लेकिन आपने उमर अब्दुल्ला को सुना नहीं। मैं कह रहा हूँ कि वो व्यक्तिगत रिलेशन ज्यादा बना रहे हैं, क्योंकि अगर दूसरा कोई इंसान मैदान में उतारा, उसके बाद मिनिस्टर्स को मैदान में उतारा, पॉसिबिलिटी वही है। तो उन्होंने कहा कि परिवारवाद कहां दिख रहा है, कौन परिवार से दिख रहा है? क्या सुरेंद्र चौधरी परिवार से है, सतीश शर्मा परिवार नहीं, से नहीं, मैंने कहा कि उनको क्यों नहीं साथ लेकर गए परिवार से, वो है डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम को क्यों नहीं साथ ले गए, क्योंकि वो शायद परिवार से नहीं है। जवाब दीजिए सुखविंदर जी, वो बार बार जाकर सुई उनकी वहीं पर अटक रही है कि डिप्टी सीएम को साथ लेकर क्यों नहीं गए हैं आप लोग। और जब आपको पता है कि 5 साल का टेनर है तो 200 साल का यहाँ पर ये पूरा मसौदा लेकर क्यों आप बैठ गए? देखिए देखिए, मुझे लगता है ये बीजेपी वाले थोड़ा कंफ्यूज हैं। देखिए, अगर वो साथ चले जाते तो ये बोलते वो उनको सीट के आगे क्यों नहीं बिठाया, पीछे बिठाया, ये चीजें इनकी चलती रहेगी 5 साल तक। मुझे ये क्लियर है कि बीजेपी वाले बेसिकली, इनके पास कोई मुद्दा कोई भी नहीं है। हमारा काम है जम्मू कश्मीर को उसकी पहचान दिलाना, यहाँ के युवाओं को नौकरी दिलाना, यहाँ के बहनों को अच्छे से रोजगार दिलाना। वो कह रहे हैं कि राज्य के दर्जे को आपने पकड़ा, लेकिन सोशल वेलफेयर के लिए जो सीधा लाभ जनता को होगा, बच्चों को होगा, उस पर काम क्यों शुरू नहीं किया है अभी तक? मुझे 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 ये समझ नहीं आती, 10 साल इनके पास थे, इन्होंने क्या काम किया? हमें 10 दिन हुए अभी आए हुए, हमारी 10 दिन से पहले 4 अक्टूबर को हमारी फर्स्ट जेंट की असेंबली स्टार्ट होने वाली है, आपको बहुत सारी चीजें नजर आ जाएंगी। ये बीजेपी के भाई साहब को मुझे लगता है शायद नॉलेज नहीं है, अभी 10 दिन हुए, जुमा जुमा जवाब दीजिए, अभी हमें को समझने तो दीजिए, ये इनको समझ ही नहीं है। फिर आशा जी, मुझे जिसका पॉलिटिकल नेचर है, फिर मंत्री जी, दूसरी मंत्री जी एजुकेशन की, फिर पॉलिटिकल नेचर का एक क्वेश्चन को एकदम एड्रेस कर रही है, लेकिन जो लोगों के हित के लिए है उसको कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, लोगों को याद दिला रहा हूं। वो कह रहे कि लोगों के जो इश्यूज हैं उन्हें क्यों एड्रेस नहीं किया जा रहा है, उनकी प्रायोरिटी। मैंने 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 आशा जी मैं यही कह रहा हूं कि अपोजिशन अपोजिशन के नाम पे करनी है तो वो बात दूसरी है, जो नहीं हो रहा है। मैं बताता हूं, अभी कल ही सुशील शर्मा ने बात की है, 12 सिलेंडर की बात कर रहा था, वो स्टेटमेंट दे रहा था, बातें हो रही है, समय लगेगा, समय लगेगा। और
भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करें तो अभी तक लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बना पाए, अभी तक उसको उनका नाम सामने नहीं आया। 4 तारीख को जब असेंबली लग रही है, ये सब चीजें समय के साथ। और मैं ये फिर आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, केंद्र और राज्य के अपने तल्लुकात बहुत अच्छे हैं इस वक्त भी, और इससे यही उम्मीद लगाई जा रही है आने वाले दिनों में तल्लुकात अच्छे रहेंगे, में भी दिख रहे हैं, हो सकता है सिर्फ अब काम करना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी जुड़ने के लिए, अजय जी आपका भी और सुखविंदर जी आपका भी। तो फिलहाल आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन जब वापसी होती है तो क्या कुछ वो साझा करेंगे, ये बड़ी बात रहेगी, क्योंकि लोगों की अब नजर कैबिनेट पर टिकी हुई है कि कौन से बड़े फैसले होंगे और किस तरह का लाभ जनता को मिलेगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।